भगवान बसवेश्वर इसी जिले के कुंडाला संगम में समाधिस्थ हुए थे। कांग्रेस ने उनको भी भुला दिया। भगवान बसवेश्वर इदे जिले कूडल संगम समाधि कांग्रेस बसवेश्वर कूड़ा मरेतु बिट्रु। और कांग्रेस के नेताओं को भगवान बसवेश्वर की कितनी समझ है, कितना महात्म्य है, आपने सुना होगा। अभी उन्होंने दो शब्दों में उनका परिचय करवा दिया, सिर्फ नुडियंते नड़े। कांग्रेस बसवेश्वर विचार गोतिल्ल, बसवेश्वर एरडे नुडिगे सीमित गळिसिदरु, नुडिदंत नडे अन्नुवंत नुडिगळिगे सीमित गळिसुवंत केलस माडिदरु। अरे उन्हें कहां पता है कि भगवान बसवेश्वर का दर्शन कितना विस्तृत था, कितना दीर्घदृष्टि था, कितना लोकतांत्रिक था, उनको इसका पता तक नहीं है। ಅವರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭಗವಾನ್ ಬಸವೇಶ್ವರರ ವಿಚಾರಗಳು ಅವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿವೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೋಕತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿದೆ, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಇಲ್ಲ। और अब जब कर्नाटक का चुनाव आया तो भगवान बसवेश्वर उनको याद आने लगे। लेकिन भाइयों बहनों, कर्नाटक की जनता को पता होना चाहिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तब पार्लियामेंट के अंदर पहली बार भगवान बसवेश्वर की मूर्ति लगाई गई। भाइयों बहनों, ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನೆನಪು ಇವರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಇವರಿಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಆದರೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು। ಆರ್ ಹಮನೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಮನೆ ಭಗವಾನ್ ಬಸವೇಶ್ವರಗೆ ವಿಚಾರೋ ಪಹುಂಚಾನೆ ಕಾ ಬಿಡಾ ಉಠಾಯಾ। ಆಪ್ಕೋ ಪತಾ ಹೋಗಾ 2015 ಮೇ ಲಂಡನ್ ಮೇ थेम्स नदी के किनारे पर मुझे भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला था। भगवान बसवेश्वर विचार विश्वाद्यंत पसरिसुवंत केलस नमगे सिक्तु, आ पीडियन आ भाग्यवन्न नावु एत्तुकोंडिद्दीवि। निम्मेल्लरिगू गोत्तिदे 2015 रल्ली लंडनिन थेम्स नदिय दडदल्लि भगवान बसवेश्वर मूर्तिय अनावरण माडुवंत भाग्य ननगे दोरतित्तु अन्नुवंत मातन्नु हेळ्तिद्दारे। और अभी जब भगवान बसवेश्वर की जन्म जयंती थी, उस दिन मैं लंडन में था, तो मैं सुबह फिर वहां चला गया और भगवान बसवेश्वर जी के चरणों में अपना सर झुकाया।